वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस फर्स्ट। प्रमोशन का क्राइम फंदा अपनाने पर किसको मिला पुलिस का डंडा, रिवील होगा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर। ऋतिक रोशन के बाद अब अभय ने किया होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट। दिखाएंगे देशमुख परिवार के रिसेप्शन में कैसे नजर आई कहानी सास बहू की। और दिखाएंगे आपको चित्रांगदा बनी है किस मैगजीन की कवर गर्ल। बॉलीवुड में नया रंग लेते जा रहे फिल्म प्रमोशन में अब पड़ गया है भंग। पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जाने वाले फिल्म मेकर्स को ये सबक कब और कैसे मिला, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की हमारी ये स्टोरी आपको बताएगी। अगर आप सड़क पर ध्यान से चलते हैं इधर उधर, वी मीन किसी होल्डिंग पर भी नहीं पड़ती है आपकी नजर, तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आजकल फिल्म प्रमोशन के लिए होल्डिंग्स पर आपको लटके मिल सकते हैं लाखों रुपए। एक आध लाख नहीं बल्कि पूरे 3 लाख रुपए। मुंबई के जुहू में जल्द ही रिलीज होने जा रही फिल्म पान सिंह तोमर के होर्डिंग पर फिल्म पब्लिसिटी वालों ने 3 लाख रुपए लटका दिए। एथलीट से डाकू बने पान सिंह तोमर पर बनी इस फिल्म के होर्डिंग पर जब 3 लाख रुपए लटके दिखे तो जाहिर है वहां भीड़ लग गई। होर्डिंग पर लगे 3 लाख रुपयों की सिक्योरिटी के लिए वहां सादा कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए गए थे। हालांकि इस काम के लिए अथॉरिटीज से परमिशन ली गई थी, लेकिन 2 ही घंटे बाद ये 3 लाख रुपए होर्डिंग से इसलिए हटा लिए गए क्योंकि सोर्सेज की अगर माने तो धीरे धीरे ये खबर ऐसे लोगों के पास भी जा पहुंची थी जो इन रुपयों के लिए खतरा बन सकते थे। और इससे पहले कि कुछ क्राइम सीन होता और पुलिस को फिल्म प्रमोशन के इस मामले में दखल देना पड़ता, ये रुपए होर्डिंग से हटवा लिए गए। लेकिन फिल्म प्रमोशन के एक दूसरे केस में पुलिस को दखल देना ही पड़ा क्योंकि शूटआउट एट वडाला के प्रोड्यूसर ने मीडिया को भेज दिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर का नोटिस। इस नोटिस में इवेंट के डिटेल्स तो थे ही, साथ में मुंबई पुलिस की मोहर भी लगी थी। संजय गुप्ता की इस क्रिएटिविटी पर मुंबई पुलिस इसीलिए हैरान थी कि क्रिएटिविटी के नाम पर अगर ऐसे ही नोटिसेस के मामले बढ़ गए तो क्या होगा। इसीलिए कुछ पुलिस वाले संजय गुप्ता के ऑफिस उनसे बात करने के लिए भी गए। संजय गुप्ता ने बाद में पुलिस को अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन पुलिस शायद उनसे ज्यादा खुश नहीं लगी। पुलिस को ये बात कितनी पसंद आई वो तो नहीं पता, पर 3 लाख रुपए होर्डिंग पर लटकाने और पुलिस कमिश्नर का नोटिस भेजने का पब्लिसिटी स्टंट पब्लिक का ध्यान जरूर खींच ले गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रितेश देशमुख और जेनेलिया की शादी के बाद से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि रितेश की मॉम नहीं है इस शादी से खुश, और अब देशमुख परिवार की नादिर शादी के रिसेप्शन में खुलकर सामने आती दिख रही है सास बहू की पूरी कहानी। आप खुद ही देख लीजिए। रितेश देशमुख के भाई धीरज देशमुख और जैकी भगनानी की बहन हनी भगनानी के वेडिंग रिसेप्शन में लगा स्टार्स का हुजूम, पर इस वेडिंग रिसेप्शन का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा ये नजारा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नो हार्म अगर एक नई बहू खिंचवाए अपनी सासू माँ के साथ फोटोग्राफ्स, राइट? बट बात ये है कि यही सासू माँ कुछ दिनों पहले अपने घर में हुई बड़े बेटे की शादी में बिल्कुल भी कैमरे के सामने नजर नहीं आई थी। वेल यस, हम बात कर रहे हैं बहू जेनेलिया की। ना वेडिंग रिसेप्शन में, ना शादी में और ना ही संगीत में कहीं पर भी मिसेस देशमुख नहीं दिखी अपनी बहू जेनेलिया के साथ फोटो खिंचवाते हुए, मगर अपनी छोटी बहू के साथ वो दे रही हैं कई पोज़ेस। वैसे आपको बता दें कि ज़ूम ने आपको पहले ही ये खबर दे दी थी कि रितेश's मॉम इज नॉट वेरी हैप्पी विद रितेश एंड जेनेलिया's वेडिंग, और वो शादी के कामों से रख रही थी खुद को दूर। ऐसे में अपनी बड़ी बहू के साथ फोटो ना खिंचवाकर छोटी बहू के रिसेप्शन में मीडिया के सामने इस तरह आना लगा देता है हमारी खबर पर मोहर। सासू माँ ने तो अपनी फेवरेट बहू चुन ली, और बेचारी जीनी बेबी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा बट टू गेट क्लिक्ड विद द अदर गेस्ट्स इन द पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।
ऋतिक रोशन के बाद अब अभय देओल भी होमोसेक्सुअलिटी के सपोर्ट में आगे आ गए हैं। क्यों सामने आया अभय का ये स्टैंड, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स वर गे, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स वर गे, वेदर इट बी अलेक्जेंडर और प्लेटो। आई मीन अभय देओल किस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं ये कहकर, क्या अभय भी अब सीख रहे हैं दोस्ताना? क्या है अभय के गे कम्युनिटी को सपोर्ट करने की हकीकत और क्या है ये फसाना, हम आपको बता देते हैं। दरअसल अभय पहुंचे थे बच्चों के लिए एक मल्टीप्लेक्स चेन के एजुकेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनने। अभय का इस सोशल कॉज में साथ देते नजर आए फिल्म मेकर अमोल गुप्ते भी, लेकिन हमें क्या पता था कि अभय तो किसी और का साथ देने का मन बनाकर आए थे यहाँ। मीडिया ने जैसे ही उनसे पूछा व्हाट ही फील्स अबाउट होम मिनिस्ट्री कॉलिंग होमोसेक्सुअलिटी इमोरल, तो देखिए कैसे जा गया अभय देओल के अंदर बैठा थिंकर और फिलोसोफर। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स वर गे, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स वर गे, वेदर बी अलेक्जेंडर और प्लेटो। आई मीन सो आई थिंक द फैक्ट दैट वी हैव सो मच पॉवर्टी एंड सो मच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड स्लेवरी, प्रेजेंट डे मॉडर्न स्लेवरी गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, रेप्स, मर्डर्स, that sexuality as an issue becomes like, okay, are you trying to divert away from real issues? And you are not an authority to say what is natural and what is not, because if you were, then you'd be God. So if nature intended us in a certain way and we are that way, then there's nothing you can do about it. अभय आपकी बात में तो पॉइंट है, पर एक पॉइंट और भी है जो लोगों को अब याद आ गया होगा। कुछ दिन पहले उनके जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को-स्टार ऋतिक ने रिसेंटली गे कम्युनिटी को सपोर्ट किया था उनके लिए अग्निपथ की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखकर। एक कॉम्प्लीमेंट है और खुशी है कि दे हैव अ वॉइस नाउ। फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास फ्रीडम ना हो देन यू आर नथिंग। आपके घर में हो या जहाँ पर भी हो, यू मस्ट गिव पीपल फ्रीडम टू लिव। और अब ऋतिक रोशन के बाद अभय देओल भी आ गए हैं होमोसेक्सुअलिटी के सपोर्ट में। आई मीन आई विश दे टेक द सेम इंटरेस्ट इन इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड रूरल एक्सप्लॉयटेशन एज दे डू ऑन सेक्सुअलिटी, यू नो व्हाट आई मीन। आई थिंक whatever your beliefs may be on sexuality may be your own and I respect your views on it. At the same time you have to respect somebody else's. वैसे अभय आए तो थे environmental issue को promote करने, पर social causes पर भी बात कर ली उन्होंने, लेकिन personal life पर बात करने से बचते रहे वो। फिर चाहे वो प्रीति देसाई से wedding की rumors हो या upcoming होली, यहाँ तक कि अपनी films के बारे में तक बात नहीं की। Can we stick to the program? Any other questions? For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. चित्रांगदा सिंह बनी है एक मैगजीन की कवर गर्ल और कवर लॉन्च के इस इवेंट पर सबसे ज्यादा चर्चे में रहा उनका आइटम गर्ल अवतार। लेट्स फाइंड आउट कैसा होगा चित्रांगदा का आइटम नंबर जो वो कर रही है जोकर के लिए। There's a little bit of that Madhuri from Sailab. That's the kind of look that we've been inspired from. जोकर में चित्रांगदा ने अपने आइटम नंबर के इसी नोन फैक्ट को भी अटेंशन दिया। That Madhuri from Sailab, if you remember, that's the kind of look that we've been inspired from, and it's very rustic, it's very there's a bit of Lavani in it, but of course it's and Farah's touch to it, it's fantastic, I loved it. और एक बार फिर बता दिया कि कैसे फरा एक बार फिर जोकर के इस आइटम नंबर के साथ मुन्नी शीला को टक्कर देने जा रही हैं। इस आइटम सॉन्ग का शूट कैसा रहा खुद चित्रांगदा से ही सुन लीजिए। Well, I don't like to call it an item song. I think there's a dance performance of, you know, a dance number that I've done for a film, and it's called Kafirana, the name of the song. It's very rustic. It's very 80s in its look. वैसे आपको बता दें कि चित्रांगदा आई थी एक मैगजीन के कवर लॉन्च पर, और कवर गर्ल भी कोई और नहीं बल्कि खुद चित्रांगदा ही थी। तो आखिर ऐसा कैसे होता कि वो यहाँ अपना ये एक्सपीरियंस मीडिया के साथ शेयर ना करती। बहुत मजा आया जो हमने ये शूट किया। वी वर ट्राइंग टू डू समथिंग विद वेरी लेस मेकअप, नो लैशेस, नथिंग, गो वेरी क्लीन। सो आई थिंक द पिक्चर्स हैव लुक्ड नाइस। वेरी हैप्पी विद इट। चलिए चित्रांगदा कवर गर्ल बनकर कैसी लग रही हैं ये तो सबके सामने आ ही गया इस मैगजीन कवर में। अब वो एक आइटम गर्ल बनकर कैसी लगती हैं ये भी जल्द ही पता चल जाएगा जब ऑडियंसेस के सामने आएगा जोकर का वो मच टॉक्ड अबाउट आइटम नंबर जिसमें चित्रांगदा नजर आएंगी एज एन आइटम गर्ल। फॉर साजिद पटेल, जूम, मुंबई। कुणाल घेमू भट कैंप में बने जा रहे हैं इमरान हाशमी के रिप्लेसमेंट। सैफ के रीसेंट ब्रॉल पर कुणाल का क्या है टेक, और क्या ब्लड मनी बेस्ड है संजय दत्त स्टार ऑफ फिल्म नाम पर? इन सब सवालों का जवाब देंगे खुद कुणाल घेमू एक्सक्लूसिवली ऑन जूम।
ब्लड मनी की प्रमोशन जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और मेरे साथ इस वक्त हैं कुणाल खेमू और फिल्म के डायरेक्टर विशाल. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जूम. ब्लड मनी ये टाइटल बहुत ही अनोखा है. कहाँ से ये टाइटल आया आप बताना चाहेंगे? कौन बताया? एक्चुअली भट्ट साहब ने सोचा था इस टाइटल का और हमारे फिल्म के लिए बहुत ही एप्ट था, तो इसलिए हमने ये ऑब्वियसली सिलेक्ट कर लिया और रख लिया. काफ़ी सारे टाइटल्स थे जो लोग कह रहे थे ये होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से 5 कहते थे हाँ ठीक है, 2 कहते थे नहीं. बट ये एक ऐसा टाइटल था जो जैसे ही कहा गया तो हमने कहा दिस इज़ एप्ट, क्योंकि फिल्म डील्स विद समथिंग लाइक दैट. So we thought all of us immediately said कि यही टाइटल होना चाहिए. अच्छा, और ब्लड मनी के से रिलेटेड अभी हाल ही में एक क्लिप भी लीक हुई है, तो असर आपका, डू यू ऑल गो विद यू नो दैट फ्रेज कि एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी? सी ऑनेस्टली इन दिस केस वी वुड हैव चोजन नॉट टू चूज दैट पाथ ऑफ पब्लिसिटी, क्योंकि जैसे भट्ट साहब भी कह रहे थे कि देर आर सर्टन फिल्म दैट आर इन द जॉनर ऑफ एरोटिक थ्रिलर्स, जैसी मर्डर थी या जिस्म थी, सो सच काइंड ऑफ प्रमोशन कैन बी राइट फॉर दोज काइंड ऑफ फिल्म्स. लेकिन हमारी फिल्म उस बारे में नहीं है, एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो वो क्लिप लीक हुई थी और वो उतना ही है जितना फिल्म में है. बट दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज अबाउट. तो हर जगह जहाँ आप जाएंगे ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा. बिल्कुल, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम कहीं ना कहीं ऑडियंसिस, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है ऑडियंस का जो ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये धारणा लेकर आएंगे कि दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज अबाउट, देन दे विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो देखने को नहीं मिलेगा. और अगर कुछ लोग सिर्फ उस वजह से नहीं आए फिल्म देखने, सो इन ईदर केस वी विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू ऑडियंसिस. ये फिल्म का कॉन्सेप्ट आपका था, मगर काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि विशेष फिल्म्स की जो नाम थी संजय दत्त की जो थी उससे भी काफ़ी ली गई है, तो क्या उसका क्या? एक्चुअली ये मेरा एट अ सबकॉन्शियस लेवल मतलब इंस्पिरेशन आई होगी दोनों से डिफ थिंग, बट कॉन्शियसली नहीं, मैंने यू नो नाम रिसेंटली देखी भी नहीं है. दिस स्टोरी इवॉल्व फ्रॉम यू नो द जर्म ऑफ द आइडिया वॉज द डार्क साइड ऑफ द डायमंड ट्रेड, दैट्स व्हाट इंटरेस्टेड मी द मोस्ट. और यू नो वी हैड द ऑपर्चुनिटी शूट इन बेल्जियम व्हिच इवेंचुअली वी डिडंट, but that is where the germ of the idea came from. The plot is completely different. Naam jaise bilkul hi nahi hai ye plot. Aur you know, I mean, Naam was a great film, so if somewhere this is being compared to that, I'm very proud. Yeah, I also think ki there are only so many genres that are there to make films in, aur hum log kai bar mujhe waisa bhi lagta hai ki hum jab kahani batate hain तो उसमें सुनने में ही ऐसा लगता है कि ये तो सुनी हुई है, देखी हुई है, बिकॉज देर आर ओनली सो मेनी स्टोरीज दैट वी कैन मेक. लेकिन व्हाट इज व्हाट सेट्स अ फिल्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज द वे द स्टोरी इज टोल्ड. तो और उस स्टोरी की अपनी एक खास बात होती है. तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम आपको कहानी बताएं तो येस इट विल सीम लाइक ये नाम जैसी है या डायमंड कहा तो ब्लड डायमंड जैसी होगी या वैसी होगी, बट देर इज अ न्यूनेस टू द स्क्रिप्ट विच यू विल सी व्हेन यू सी द फिल्म. काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आप नए इमरान हाशमी हैं भट्ट कैंप के लिए. देखिए, अब वो जो कहा जाएगा अब उसको हम रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर और ही इज़ अ बिग स्टार टुडे. आई एम जस्ट डूइंग माय बिट. आई हैव बीन ऑफर्ड अ फिल्म व्हिच आई वांटेड टू डू एंड आई एम डूइंग दैट. आई थिंक बियॉन्ड दैट अगर वो कंपैरिजंस किए जाए, आई थिंक अभी मेरी फिल्म आएगी उसके बाद वो कंपैरिजंस होंगे. आई वोंट आस्क यू द सिचुएशन, आई थिंक आई जस्ट वांट टू नो आर सेलिब्रिटीज इजी टारगेट फॉर यू नो टू गेट इनटू ब्रॉल्स और यू नो आई ऑनेस्टली फील दैट इट्स इज इजियर टू काइंड ऑफ डू अ बिग स्टोरी, क्योंकि अभी आई वाज टॉकिंग टू भट्ट साहब आल्सो एंड ही सेड कि यू नो थिंग्स लाइक दिस हैपन समटाइम्स, यू गेट इनटू अ फाइट एंड अ मैन कि चलो यार आई पुश्ड यू पुश मी बैक एंड यू लीव इट एट दैट, बट बिकॉज देयर इज अ सेलिब्रिटी इन्वॉल्वड sometimes without knowing the truth and hearing the other side of the story, stories are blown out of proportion and generally a celebrity is antagonized in that, which I feel is somewhat wrong. Oh, thank you so much. Thank you. अब बारी है आपके favorite segment Bollywood in Pics की. बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके लिए ले आए हैं बी टाउन की लेटेस्ट पिक्चर्स. टू स्टार्ट विद, आजकल शाहरुख और कटरीना अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी हैं और इसीलिए उनकी बॉन्डिंग भी काफी हो रही है. चेक द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम द सेट्स जहां कटरीना और शाहरुख एक साथ कर रहे हैं डिनर. कैट्स ऑल सेट टू जॉइन इन SRK's टीम. चलिए बढ़ते हैं फ्रीडा पिंटो के बोल्ड पिक की ओर. फ्रीडा इज गोइंग बोल्ड फॉर अ मेंस मैगजीन. वेल फ्रीडा, आपका ये अवतार ऑल द सिंगल मैन आउट देयर को काफी पसंद आएगा. हैव अ लुक एट द ऑन सेट्स ऑफ बर्फी वेयर रणबीर एंड प्रियंका सीम क्वाइट इंडल्ज्ड विद देयर शूट. तो वहीं फराह खान पहुंच गई हैं करण जौहर के फिल्म के लोकेशन पर. वेल आज के लिए बस इतना ही, बट फॉर मोर बी टाउन लेटेस्ट पिक्चर्स कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अभी आपको बताएंगे अपना यूरेका मोमेंट। अभी देओल ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया है अपनी लाइफ का यूरेका मोमेंट, साथ ही शेयर की है फिल्म्स और सोशल कॉजेस से उनकी इंटरेस्टिंग कनेक्ट की कई बातें। आपने उनको स्क्यूबा डाइविंग करते हुए देखा है, आपने उनको हेलीकॉप्टर से कूदते हुए देखा है, आपने उनको बुल्स के आगे भागते हुए देखा है, बट जब वो ये सब नहीं कर रहे होते तब वो क्या करते हैं? लेट्स फिगर इट आउट। अभय वेलकम ऑन जूम। थैंक यू। अभय आप जाने जाते हैं एज अ वेरी सोशली अवेयर सिटीजन, यू आर ग्रीन पीस एम्बेसडर ऑल्सो, so tell us that eureka moment in your life when you realize that this is my environment, I have to do something about it, when you actually played a spoil sport among your friends, you know this thing is uncool and bio friendly is the cool thing out here. I think mera koi aisa koi eureka moment to tha nahi. I started early, 11 saal ki umar mein maine realize kiya tha ki diwali ke time par jo mujhe zukam hota tha, jo khansi hoti thi, wo patakon ki wajah se ho rahi thi. तो आई थिंक एट अ यंग एज मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि दिवाली तो कम से कम दिया जला लेते, यू नो फॉरगेट द क्रैकर्स, इवन दो मुझे बहुत पसंद है क्रैकर्स पर्सनली, आई लव बर्स्टिंग देम। देयर वाज नो यूरेका मोमेंट एंड आई वाजंट प्लेइंग स्पॉइल स्पोर्ट इन एनीथिंग। स्पॉइल स्पोर्ट इफ एनीथिंग वो जब बचपन में दिवाली रोक दी थी मैंने, आई सपोज दैट यू कुड से इट इज फेयर इनफ एंड रिमार्केबल। नाउ आई कांट फिनिश दिस इंटरव्यू विदाउट दिस वन क्वेश्चंस बिकॉज़ योर फैंस हु फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया दे गोइंग टू किल मी। आप सीता और गीता का रीमेक कर रहे हैं एंड देयर अपसेट दैट व्हाई यू नॉट प्लेइंग देओल सर पार्ट, व्हाई आर यू प्लेइंग संजीव कुमार पार्ट? यार मैंने सुना है कि मैं सीता और गीता कर रहा हूँ, मैंने सुना कि मैं दोस्ताना 2 भी कर रहा हूँ, मैंने सुना कि आई थिंक दो और ऐसी फिल्में थी, ये तो आप बोल रहे हो मुझे, मेरे कोई प्लान नहीं है सीता और गीता करने के लिए, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू हैव ब्रोकन सो मेनी हार्ट्स आउट देयर राइट नाउ। नहीं, मेरी एक फिल्म आ रही है शंघाई दिबाकर बैनर्जी के साथ जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ, और उसके बाद में एक दो ऐसी फिल्में और हैं जो प्रोसेस में हैं जिनकी बात मैं तब करूँगा जब वो रेडी होंगी। मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा अपने फैंस को, इनफैक्ट अभी मैंने आई हैव टेकन अ न्यू रेजोल्यूशन, आई एम गोना गो and try and raise the bar even more if I can. Oh, that's very difficult because looking at your performance in Zindagi Na Milegi Dobara. Anyway, thank you so much for thank talking you. To us. That was Abhay Deol with PT Tarang and cameraman Manjeet, Zoom Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, but don't go away क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ। एक डीवीडी लॉन्च पर पहुंचे फिल्म मेकर शेखर कपूर हो गए नॉस्टैल्जिक। शेखर कपूर ने क्यों छेड़ा मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन का किस्सा आप खुद ही देखिए। शेखर कपूर आ गए हैं इंडियन फिल्म्स की नई डेफिनेशन देने, बता रहे हैं कि किन डायरेक्टर्स के जमाने में बनती रही हैं ग्रेट फिल्म्स या फिर किन एक्टर्स के जमाने में आती रही शानदार फिल्में। जब मुगले आजम बनी थी डायरेक्टर का जमाना था, प्यासा बनी थी तो डायरेक्टर का ज़माना था, और जब स्टार्स पर पिक्चर बननी रिलीज़ होनी शुरू होती है और पब्लिसिटी मेनली स्टार्स की होती है तो फिल्म की क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने नॉस्टैल्जिक क्यों हो गए हैं शेखर कपूर, क्यों उन्हें याद आ रहा है पुराने डायरेक्टर्स का जमाना। तो अब खुद शेखर के मुंह से ही उनकी फिल्म बैंडिट क्वीन का किस्सा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने जब बैंडिट क्वीन बनाई थी, बैंडिट क्वीन जब रिलीज हुई थी तो गांव वाले बस भर के आए थे पिक्चर देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आ रहे हो भैया, ये तो शहर है। कहते साहब आपने हमारी ज़िंदगी बारे में फिल्म बनाई है, हम ना देखें, है ना। तो ये उनकी ज़िंदगी बारे में है, उनके पास पानी नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है उनके लिए ये फिल्म। अब तो आप समझ ही गए होंगे शेखर कपूर इतने नॉस्टैल्जिक आखिर क्यों हुए। दरअसल शेखर कपूर आए थे फिल्म फ्लो के म्यूजिक लॉन्च के इवेंट पर, और इसी इवेंट में उन्होंने सभी को बताया कि ये फिल्म कैसे सबको वाटर की इम्पोर्टेंस बताएगी। फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एजुकेट कर रही है, ये इस फिल्म में ऐसे बनाई है जो आपको डर लगता है, तो ये काफी उस तरफ से काफी एंटरटेनिंग फिल्म है। वैसे शेखर की एक और इंटरेस्टिंग फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल की खूब बातें हो रही हैं इन दिनों, तो क्यों ना शेखर से ही जान लिया जाए कि कब तक आएगी मिस्टर इंडिया 2। मिस्टर इंडिया के राइट्स मेरे पास नहीं, मैं तो डायरेक्टर पास है, बाकी वो जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास राइट्स हैं, जब बनाना चाहेंगे तो बना देंगे। फिर भी अपनी चीज़ अपनी ही होती है सर,
अपनी चीज अपनी नहीं होती अनफॉर्चूनेटली फिल्म में, अपनी चीज पराई हो जाती है बहुत जल्दी। लेकिन उस पराई चीज से लगाव कम होने का नाम ही नहीं लेता। देखिए ना आइटम सॉन्ग्स की बात पर शेखर जी कैसे एक बार फिर नजर आए कुछ कुछ नॉस्टैल्जिक। मैं क्या कहूँ, आइटम सॉन्ग तो मैंने ही शुरू किया था इस कंपनी में। साजिद पटेल, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News पे कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.